देख लिया वीडियो का टाइटल, तुमने अगर ध्यान दिया होगा तो वो रीड करने के बाद लगना चाहिए कि यार ये कैसा चुतिया है, नहीं बताऊंगा बोल के सीरीज का नाम तो थंबनेल में ही लिख दिया है। कहीं ये कोई मिस्टेक तो नहीं? नहीं, क्योंकि यही वो चीज है जो कि महान पाखंडी करते हैं। तुम लोगों ने इसके टाइटल में रीड किया कि मैं वीडियो के अंदर सीरीज का नाम नहीं बताने वाला, लेकिन मैंने इसके थंबनेल में ही नाम बता दिया। तुम्हारे दिमाग में बना कंफ्यूजन, अब तुमको चाहिए आंसर कि क्या ये सच में है, इसलिए तुम आ गए वीडियो देखने के लिए। तो ये जो महान पाखंडी की मैं बात कर रहा हूँ वो वैसे ही ट्रिक्स यूज करता है, तुम लोगों को अपनी जाल में फंसा। लेकिन इमेजिन करो, ये वीडियो ही नहीं चला तो सबसे बड़ा मैं बन जाएगा। इतना सब कुछ दिमाग लगाने के बाद लोग आए नहीं देखने तो। लेकिन अब क्योंकि तुम आ चुके हैं ये वीडियो देखने के लिए, तो फिर चालू करते हैं। आज हम लोग जिस एनिमे की बात करेंगे वो एक ONA है, ओरिजिनल नेट एनिमे, जिसको सबसे पहले नेटफ्लिक्स के ऊपर लॉन्च किया गया था और उसके बाद जापानीज टीवी पे। इसको बनाया विट स्टूडियोज ने, और अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो तुमको पता होगा कि ये विट स्टूडियोज वही है जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन और विलन सागर जैसे एनिमे के ऊपर काम किया है। लेकिन आज हम लोग जिस एनिमे की बात करने वाले हैं उसको अगर तुम लोग नेटफ्लिक्स पे जाकर देखोगे तो फिर दो सीजन के अंदर डिवाइड किया है, जिसके अंदर हम लोग एक ग्रुप को फॉलो करते हैं और वो सारे के सारे कौन आर्टिस्ट है साले, वो लोग चार बड़े वाले कांड करके अमीरों को ठगते हैं। अब ये सारी ठगी के बारे में मैं ज्यादा कुछ बता तो नहीं सकता वीडियो के अंदर, क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा, और थोड़ी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी तो इस एनिमे को देखने का जो एक्सपीरियंस है वो तुम लोगों के लिए खराब हो सकता है। इसका इनडायरेक्टली मतलब ऐसा होता है कि मेरे को वीडियो के अंदर ज्यादा मेहनत करनी नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं करेगा। लेकिन इतना मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि इस एनिमे के अंदर अमीरों के साथ साथ हम ऑडियंस की जैसे काटते हैं ना, देखने में बहुत मजा आता है। और इसको देखते वक्त एक पॉइंट पे तो मैं खुद क्वेश्चन करने लगा था कि यार ये लोग हर बार कैसे उल्लू बना रहे हैं, मतलब एक ही शो के अंदर चार अलग अलग चोरियां दिखाना, ये थोड़ा रिपीटेटिव साउंड नहीं होता? लेकिन इस चीज को ये सीरीज काफी अच्छी तरीके से पुल ऑफ करती है, बहुत ही सिंपल बोलना था लेकिन उतना सिंपल है नहीं, ट्रिक यूज करके। हर एक चोरी के अंदर हमको एक डिफरेंट कैरेक्टर के पर्सनल लाइफ के साथ जोड़ के दिखाते हैं, और उस कैरेक्टर के पर्सनल स्टोरी को थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जिसके कारण तुम उसके अंदर भी इन्वेस्टेड हो, तुम्हारा ध्यान वहां पे भटक रहेगा और पीछे पीछे ये लोग अपना काम कर जाएंगे, जिसके कारण हर एक केस के अंदर स्टेक्स भले ही अल्टीमेटली थोड़े बहुत सेम हो कि हां ये लोग अमीरों को ठगने जा रहे हैं और पकड़े गए तो गए, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि वो जो कैरेक्टर की पर्सनल स्टोरी हम लोग देख रहे हैं वो साथ देगा कि नहीं, कहीं वो तो कुछ गड़बड़ नहीं करने वाला। इसी के कारण जो अपने को चार कांड दिखाया ना, उन सब के अंदर इंटरेस्ट बना रहता है, एक्सेप्ट फॉर नंबर 3। थर्ड वाला जो केस था वो मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर एक लव स्टोरी के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कर दिया और उसके कारण जो बाकी पूरा केस है वो ऐसे ड्रैग डाउन फील होता है। लेकिन फिर इसी चीज की भरपाई वो लोग अगले केस यानी कि कांड नंबर 4 के अंदर करते हैं, एक अच्छा सीजन उसको डेडिकेट करके और इवन बिगर स्टेक्स। लेकिन तुम लोगों ने एक बार अगर ये पूरा एनिमे खत्म कर दिया ना, तो फिर ये सारी स्कीमिंग, एक दूसरे को धोखा देना, ट्रिक्स यूज करना, ये तो अच्छा है लेकिन कैरेक्टर्स जो है ना वो तुम्हारे साथ रह जाएंगे। पर्सनली तो मेरा फेवरेट लॉरेंट था, लेकिन फिर भी यहाँ पे एग्जांपल के लिए एडामुरा को ले लो। इनको मिलने के बाद तुम लोगों को शायद ऐसा लग सकता है कि ये इस सीरीज के मेन कैरेक्टर है। लोल, मजाक में हंसा मैं, लेकिन जिस तरीके से ये सीरीज अपने कैरेक्टर्स को यूज करती है तुमको लग सकता है कि हाँ ये बंदा मेन है, लेकिन अगले केस में उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, जिसके कारण हर एक मेजर कैरेक्टर को शाइन करने का मौका मिलता है। और जब ये सीरीज खत्म होगी ना, तो फिर यही कैरेक्टर्स तुम्हारे साथ रह जाएंगे, जस्ट लाइक इफ फैमिली। डोमिनिक चाचा वुड बी सो प्राउड। एक चीज जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि यार अपने को इस सीरीज के अंदर इतना ज्यादा इंग्लिश सुनने मिलेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो अपने को इसके अंदर इंटरनेशनल लोकेशंस दिखाए हैं, और अगर ये एक जापानीज शो नहीं होता तो फिर ये प्रोबेबली इंग्लिश में ही बनता। जब तुम देखोगे इसको तो समझ जाओगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यार। लेकिन अगर सच बोलूं ना, तो फिर जो जापानीज इंग्लिश होती है वो सुनने में मेरे को बहुत मजा आता है, जस्ट लाइक आवर्स पबजी मोबाइल। ओवरऑल एनिमेशन इस सीरीज के अंदर का काफी फैंटास्टिक है, जो आर्ट स्टाइल यूज किया और जो डायरेक्शन है, तुम भी यही चीज बोलने वाले जब तुम इसके अंदर 3D एनिमेशन देखोगे, इट जस्ट वर्क्स। म्यूजिक के लिए जैज वाला जॉनर प्रोमिनेंटली चूज करना एक बहुत बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से फिट बैठता है ऐसे शो के ऊपर जिसमें इंप्रोवाइजेशन को इतना इंपॉर्टेंस दिया है। कंप्लेंट्स की अगर मैं बात करूं तो फिर वो केस नंबर 3 सामने आता है कि यार अपन ने ऑलरेडी उसके पहले दो चोरियां देख रखी है, और फिर जब ये तीसरी सामने आती है थोड़ी बहुत स्लो फील होती है, और क्योंकि पहले से मेरे माइंड में था कि यार अब यही होने वाला है, एंड जो है इसका उसका पहले से अंदेशा आ चुका था, तो फिर उतना इंटरेस्ट रहा नहीं मेरे को केस नंबर 3 में। बाकी इसके बाद तो ये जो एनिमे वो काफी ज्यादा बढ़िया और मेरी तरफ से रेकमेंडेड, अगर तुमने नहीं देखा है तो फिर चेकआउट कर लो। लेकिन मैंने तुमको अभी तक इसका नाम नहीं बताया ना।